इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांड स्प्लिट के बारे में और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करने वाले हैं और रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले ब्रॉक लेसनर की खबर से। तो रेसलमेनिया बैकलैश से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो ब्रॉक लेसनर को अनएडवर्टाइज कर दिया है, पर वो अभी मनी इन द बैंक के लिए एडवर्टाइज हैं। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम के लिए भी एडवर्टाइज कर दिया है और वो हमें पॉसिबल एक मैच भी रेसल करते हुए दिखाई देंगे समर स्लैम में, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया पोस्टर निकला है समर स्लैम का उसमें ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज हैं और वो केविन ओवंस को F5 देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर पॉसिबल एक मैच भी रेसल करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम के लिए एडवर्टाइज कर दिया है और वो हमें पॉसिबल 100% दिखाई देंगे। तो आपको क्या लगता है, ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में आएंगे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको फिर से टिकट सेलिंग की वजह से एडवर्टाइज कर दिया है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में जो जुड़ी हुई है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच ऑफिशियल कर दिया और ये मैच होने वाला अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने UK के लाइव इवेंट के लिए एडवर्टाइज कर दिया है और पॉसिबल यहाँ पे हमें टाइटल चेंज होते हुए दिखाई दे सकता है और रोमन रेंस को डीथ्रोन करते हुए दिखाई देंगे ड्रू मैकइंटायर। तो आपको क्या लगता है, ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंस को डीथ्रोन कर पाएंगे या फिर नहीं? मेरे हिसाब से भी रोमन रेंस का टाइटल रेन ज़्यादा दिन का होने वाला है, क्योंकि उनका टाइटल रेन जब उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को इतने दिनों के लिए होल्ड किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को भी बहुत दिनों तक होल्ड करके रखेंगे। आपको क्या लगता है, ड्रू मैकइंटायर कर पाएंगे रोमन रेंस को डीथ्रोन या फिर नहीं? कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर के बारे में जो जुड़ी है ब्रांड स्प्लिट ओवर होने से। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रांड स्प्लिट को ओवर करने वाली है, क्योंकि इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत परेशानी होती है, वो अपने मैचेस को बना नहीं पाती। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जब ब्रांड स्प्लिट ओवर करेगी तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि वो बड़े मैचेस करवा सके, जैसे रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन। ये मैचेस दोनों ब्रांड पर जाकर करवाना मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैक से डिसाइड कर लिया कि हम ब्रांड स्प्लिट को ओवर करेंगे। फॉक्स भी ये बता रही है कि ब्रांड स्प्लिट ओवर हो सकता है धीरे धीरे, और विंस मैकमैन जो है वो चाहते हैं कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में बड़े मैचेस होना शुरू हो जाएं। तो आपको क्या लगता है, ब्रांड स्प्लिट कब तक ओवर होएगा? इसको वैसे तो ओवर होने में भी बहुत टाइम लगेगा, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको ओवर करने वाली है जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं। इसलिए हमें कई टाइम से रॉ स्मैकडाउन के सुपरस्टार एक दूसरे के ब्रांड पे आते हुए दिखाई दे रहे थे। और हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।